आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। न्यूट्रिशन एक बेसिक चीज है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना न्यूट्रिशन के, बिना पोषण के हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हमें एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर हम स्वस्थ खाना खाएंगे तो ही हम स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, बीमार नहीं होंगे। अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, बड़ी बड़ी हमें कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के जो फादर, जिनको बोला जाता है, जिन्होंने न्यूट्रिशन का फाउंडर जो होते हैं, उनका नाम है एंटोनी लोरेंट डी लोवेजियर। ये फादर ऑफ न्यूट्रिशन कहे जाते हैं। अब न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या होता है, तो न्यूट्रिशन इज द ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की वह शाखा इन विच वी स्टडी अबाउट वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर हम सभी पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि वो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट करेंगे, गलत इफेक्ट करते हैं या सही इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें, इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो आइए पोषक तत्व समझते हैं। पोषक तत्व का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक और कार्बनिक सब्सटेंसेस, पदार्थ होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग बॉडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास को निरंतर करने के लिए पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, पोषक तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, मगर इनके ना होने से हमें कई प्रकार की डेफिशियंसी हो सकती है, इसलिए इनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि वृहद पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जिनके हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहती है, डेली रिक्वायरमेंट जो रहती है वो हमारे लार्ज अमाउंट में रहती है। इसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों चीजें हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है। दिन भर हम जो भी खाना खाते हैं उनमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, क्योंकि अगर हमें दिन भर वर्क करना है तो हमें सबसे अधिक जरूरत जिस चीज की रहेगी वो रहेगी एनर्जी। अब एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड से मिलती है, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए रहती है क्योंकि हम कोई भी हेवी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, सारी चीजों के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। फैट्स की रिक्वायरमेंट भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में, थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझते हैं। विटामिन्स का हमारे चैनल पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। यहाँ हम इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, बाकी के डिटेल कार्बोहाइड्रेट का भी आपको हमारे चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो सेपरेट मिल जाएगा। तो हम देखते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स को हमने दो भागों में बांटा है, इसको मतलब इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब होता है जो पानी में घुल सकते हैं, ऐसे विटामिन जो पानी में घुल सकते हैं मतलब पानी के साथ मिक्स हो सकते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन वो विटामिन होते हैं जो कि फैट के अंदर घुल सकते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो दो तरह के विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक होता है बी कैटेगरी और एक होता है सी, विटामिन बी और सी। अब बी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, B1, B2, B3, तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। इसका भी आपको एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें आपको विटामिन, विटामिन के साइंटिफिक नेम, इससे होने वाली डेफिशिएंसी कौन, इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, इनके सोर्सेस क्या है, कैसे हमें हर प्रकार का विटामिन मिल सकता है, हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगी। अभी हम समझते हैं। सबसे पहले विटामिन बी के अंदर आता है विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है थायमिन। नेक्स्ट है विटामिन B2। B2 को बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3। B3 को हम बोलते हैं नियासिन। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B5, जिसको हम बोलते हैं पेंटोथोनिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरिडोक्सिन। उसके बाद आता है हमारा विटामिन B7। B7 बायोटिन, ये हमारे B7 हमारे बालों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। उसके बाद आता है B9। B9 का मतलब होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि फोलिक एसिड और आयरन ये दोनों मिलके ही हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं यानी कि खून बनाते हैं। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उन सभी को विटामिन, आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट्स इसीलिए दी जाती है ताकि
उनको और उनके बच्चों को कोई भी पेट में जो पल रहा है उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आए और डिलीवरी के टाइम पे उनको ब्लड लॉस हो तो एज भी कम ना हो। और उसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन होता है और एक और इसका पार्ट है मिथाइल कोबालमिन। एक हमें खाने से मिल सकता है और एक हमें नेचर से मिलता है। उसके बाद आता है विटामिन C। विटामिन C मतलब एस्कोर्बिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन C हमें लेमन, सारे खट्टे पदार्थों, आंवला वगैरह, इन सभी चीजों में मिल जाता है। और इसकी कमी से स्कर्वी नाम की एक बीमारी भी होती है। इसके बाद आता है हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल में सबसे पहला आता है विटामिन A। विटामिन A का साइंटिफिक नाम है रेटिनोल। रेटिनोल की कमी से हमें रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है जो कि अधिकतर बच्चों में होती है, जिसमें जो बच्चों की हड्डियां रहती है वो लचीली हो जाती है, मुलायम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब होता है हड्डियों का टेढ़ापन या लचीलापन। उसके बाद एक ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा विटामिन D। विटामिन D को हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल, इसका साइंटिफिक नेम है, जो हमें सूर्य की किरणों से विटामिन D प्राप्त होता है। उसके बाद विटामिन E। विटामिन E को हम बोलते हैं टोकोफेरोल। और उसके बाद आता है विटामिन K, जो कि रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे आवश्यक है। अगर हमें कोई चोट लगती है और रक्त का थक्का जमाना है तो उसके लिए विटामिन K हमारे शरीर में होना चाहिए, जिसको हम फिलीक्विनोन बोलते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। तो मिनरल्स एक शॉर्ट में समझते हैं। मिनरल्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें मिनरल्स यानी कि खनिज लवण में प्राप्त होती है, जो कि हमें धरती से प्राप्त होता है मिनरल। ये था एक हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसमें बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें काफी सारी चीजें आती है, कुकिंग और कुकिंग के मेथड्स भी इसी के अंदर आते हैं न्यूट्रिशन में, कि खाने को किस तरह पकाया जाता है, कौन कौन से मेथड्स से किस किस विधि से पकाया जाएगा, फूड हैंडलर्स क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण क्या होता है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, फैट्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, फैट के अधिकता से कौन सी बीमारी होगी, प्रोटीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होगी, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होगी, मिनरल्स की अधिकता से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, सारी चीजें हम इसमें डिटेल में एक एक करके एक एक टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। सारी चीजें इसी के अंदर आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका हमने यहाँ पे लिंक दे रखा है VNMC707। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इस पर आपको सारे नोट्स, सारे डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा भी मेडिकल रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इस पर मिलती रहेगी, तो आप इसको भी जरूर फॉलो कीजिए।